गुने शाखा का एंकर है। अपराध शाखा ने सामाजिक सुरक्षा दस्ते ने मनीष नगर के टी पॉइंट पर सोमवार की रात युवती से देह व्यापार कराने वाली टोली का पर्दाफाश किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से दो पीड़ित युवतियों को छुड़ाया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सौरभ प्रमोद सुखदेवे ढिंगना राजेंद्र नगर निवासी है, अहमदनगर यतीम खान चौक निवासी रफीक उर्फ राज साहबराव पठान व आफ्ताब उर्फ आर्यन शेख निजाम का समावेश है। लेकिन इस टोली का मुख्य सूत्रधार रमजान और प्राहक को मनीष नगर, पुरुषोत्तम रेहान पठान अहमदनगर को पुलिस खोज रही है। आरोपियों ने ऑनलाइन वेबसाइट नागपुर कॉलगल और स्कोका पर विज्ञापन देकर मोबाइल क्रमांक दिए थे। इन मोबाइल क्रमांक पर संपर्क करने पर ग्राहक को व्हाट्सएप पर फोटो भेजकर युवतियां उपलब्ध कराए जाने का पता चला। इसके चलते पुलिस ने सोमवार को बोगस ग्राहक के माध्यम से आरोपियों से संपर्क किया। दलाल ने ग्राहक को मनीष नगर पुरुषोत्तम के पास युवती के साथ पहुंचने की जानकारी दी। ग्राहक से खतरा नहीं होने का अनुमान होने पर आरोपी युवती के साथ मनीष नगर टी पॉइंट पर मिले। ग्राहक से रुपए स्वीकार करते हुए पुलिस की टीम ने आरोपियों को धर दबोचा है। कल दिनांक 7/9/2020 रोजी ऑनलाइन नेटवर्क इंटरनेटद्वारे वेबसाईटवर ऍड टाकून त्यावर नंबर देऊन मुली पुरवल्या जातील अशा पद्धतीची मेसेज व्हायरल झालेला होता। त्याप्रमाणे आम्ही फोनवर कॉन्टॅक्ट करून डमी ग्राहक पाठवून रेड केलेली आहे सामाजिक सुरक्षा विभाग नागपूर शहरने गुन्हे शाखा। मनीष नगर पुरुषोत्तम बाजार आहे टी पॉइंट नागपूर, या ठिकाणी आम्ही रेड केलेली आहे। ऑन स्पॉट आम्ही दोन परराज्यातील मुली आणि तीन एजंट अशा तीन आरोपींना अटक केलेली आहे। हे दोन आरोपी जे आहेत रफीक उर्फ राज साहेबराव पठाण व 19 वर्ष, दुसरा आहे आफताब उर्फ आयन शेख निजाम व 20 वर्ष। हे दोघेही अहमदनगरहून राहणारे आहेत आणि मोबाईल फोनद्वारेच आणि इंटरनेटवर नंबर टाकूनच ते हा व्यवसाय चालवत होते। स्कोका नावाची ही वेबसाईट होती। या तिसरा जो आरोपी आहे सौरभ प्रमुख सुखदेव, हा इथला स्थानिक आहे, नागपूरचा हिंगना रोड नागपूरचा रहिवासी आहे। या तिघांनाही आम्ही काल संध्याकाळी ताब्यात घेऊन गुन्हा दाखल करून अटक केलेली आहे। दोन मुलींची परराज्यातल्या मुलींची सुटका केलेली आहे। हे जे दोन आरोपी आहेत अहमदनगर चे आहेत मूळ राहणारे, त्यांचा रेकॉर्ड तिन्ही आरोपितांचा रेकॉर्ड अद्यापर्यंत मिळालेला नाही। परंतु यांचा जो म्होरक्या आहे रमजान पठाण उर्फ रेहान व दादा पठाण यावर पूर्वीचे रेकॉर्डही आहे। अशाच प्रकारचे गुन्ह्यांमध्ये हा आरोपीत आहे, त्याचा शोध सुरू आहे। अद्यापर्यंत हा रहिवासी अहमदनगरचा असल्यामुळे अद्यापर्यंत मिळून आलेला नाही। आरोपियों में से मुख्य आरोपी रमजान पठान के लिए काम करने की जानकारी मिली। आरोपियों के खिलाफ बेलतरुड़ी थाने में धारा 370, 34 व अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़े के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।